वीडियो में दिख रहे हैं सफेद शर्ट पहने हुए शख्स जो है वह डीएम है, जो शराब के ठेके पर पहुंचे शराब लेने। सामने वाले दुकानदार को यह पता भी नहीं चला कि जो ग्राहक के रूप में आया है वह कोई आम नागरिक नहीं है, और आज तो मेरा भंडा फूटने वाला है। जब डीएम पहुंचे शराब के ठेके पर तो पता चला वहां लूट मची हुई है, मूल्य से ज्यादा शराब की कीमत ली जा रही है। जी हाँ, देहरादून डीएम ने शराब के ठेके पर पकड़ी ओवर रेटिंग। सेल्समैन ने डीएम से 20 रुपए ज्यादा वसूले, ठेके मालिक का 50,000 का चालान। दरअसल आपको बता दे, देहरादून एक दिन पहले ओवर रेटिंग की शिकायत पर शराब की दुकान पर पहुंचे देहरादून डीएम सविन बंसल। बुधवार रात देहरादून के डीएम सविन बंसल शराब के जब ठेके पर पहुंचे तो डीएम ने शराब के ठेके पर पहुंचकर खुद शराब खरीदी तो पता चला कि ठेके पर ओवर रेटिंग की जा रही है। सेल्समैन ने डीएम से 20 रुपए ज्यादा वसूले, जिस पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने तत्काल मौके पर आबकारी अधिकारी को बुलाया और ठेके संचालन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। दरअसल देहरादून के डीएम सविन बंसल को ठेके पर ओवर रेटिंग की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसकी सच्चाई जानने के लिए डीएम खुद गाड़ी चलाकर ओल्ड मसूरी रोड के ठेके पर पहुंच गए। डीएम के साथ उस दौरान कोई स्टाफ नहीं था और न ही कोई सुरक्षा कर्मी था। डीएम गाड़ी से उतरकर ग्राहक बनकर ठेके की दुकान पर पहुंचे और एक बोतल शराब खरीदी, जिस पर सेल्समैन ने उनसे 20 रुपए ज्यादा लिए। डीएम सविन बंसल ने बताया कि काफी दिनों से उन्हें ओवर रेटिंग रेट लिस्ट चस्पा नहीं करने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद वह ओल्ड मसूरी रोड स्थित शराब के ठेके पर पहुंचे। लाइन में लगकर उन्होंने शराब खरीदी तो उन्हें 660 रुपए की बोतल 680 में दी गई। जानकारी के लिए बता दूं, शराब के ठेके पर डीएम ओवर रेटिंग चेक करने के लिए पहुंचे थे तब यह खुलासा हुआ।